बात कर रही हूँ, मैं लगभग एक बज चुका है, पूरे घर के काम जो है निपट चुके हैं, अब काम रहा है एक माखियों को बाहर निकालने का। ठीक है, उससे पहले एक काम और भी है मेरा, वो दिखा देती हूँ मैं आपको क्या काम जो है मेरा बचा हुआ है। अभी ये देख लो, ये मेरे कपड़े जो हैं इतने सारे पड़े हैं, मेरे को इनको समेटना है, समटना है, तय करनी है, जो भी करना है, साथ साथ में वीडियो वॉच करेंगे एक दो बहनों के। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ भाई मैं आजकल, कमेंट बिल्कुल करती नहीं हूँ, बहुत ही कम करती हूँ, करती हूँ एक दो के बस, लेकिन बहुत कम करती हूँ। आज का वीडियो जो रहेगा वो रहेगा मेरा स्पेशल पौधा दिखाने को, क्योंकि मैंने नहीं पौधा जो है वे कुछ घर से बाहर निकाल दिया है, और कहाँ लगाए हैं, कहाँ शिफ्ट करे हैं, वह आप लोगों में बताऊँगी। पहले भी मैं काफ़ी बार कह चुकी थी थाना कि भाई मैं हाय मैं बोल गई बीच में। चलो भैया वापस से हिंदी स्टार्ट करती हूँ। पहले भी मैं आप लोगों को काफी बार बोल चुकी थी कि भाई मैं इन पौधों को जो है वो मंदिर में लगाऊंगी। तो छोटी सी क्लिप मैं आगे ऐड करूंगी जो हमने लगाए हैं मंदिर में पौधे, उनकी सिर्फ छोटी सी बनाई थी, क्योंकि जिस टाइम पे हमने पौधे लगाए थे ना उस टाइम पे ऐसा मतलब मूड नहीं था वीडियो वगैरह बनाने का। ठीक है, आप लोगों से मैंने कहा ना कि भाई हरे मतलब अपना जो गम वाला चेहरा जो है ना वो मैं वीडियो में नहीं लेकर आना चाहूँगी, तो ऐसा कुछ होता रहता परिवारों में, आप सबको पता है इतने बड़े बड़े परिवार होते हैं, आजकल ऐसा कुछ है नहीं कि भाई किसी के यहाँ कोई घटनाएं मतलब ऐसा कोई परिवार बचा हुआ ही नहीं है। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है भाई आजकल, तो यही है। बीच में जब वो पौधे हमने लगाए थे उस टाइम पे मैंने छोटी सी क्लिप जो है इनके फोन में निकाली हुई है, वो मैं ऐड करूंगी, आपको दिखाऊंगी कितने पौधे मैंने वहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक स्पेशल बात बताती हूँ, आज आप लोग भी आजमा के देखना, आपके साथ भी हो सकती है ऐसी बात। ठीक है, पहले दिखाती हूँ पौधे। तो जी ये देखिएगा आप, मेरा जो मिनी गार्डन जो था वो हो चुका है खाली, अभी हम लोग लगाएंगे। बारिश का इंतजार हमें था कि शायद बारिश काफी होने के बाद हम पौधे लगाएंगे, लेकिन बारिश हमारे यहाँ नहीं हुई है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरा पानी का जो टैंक था वो भी नहीं भरा है, वाटर टैंक जो था। तो मेरा जो मिनी गार्डन जो था वो लगभग खाली हो चुका है, देख लीजिए आप, यहाँ तक थे ना पौधे, और यहाँ पे भी कितने सारे पौधे ऐसे हुआ करते थे। ठीक है, खूब सारे पौधे जो है थे, मैंने खाली सिर्फ ज्यादातर ये गुलाब वाले गमले वाले पौधे रखे हैं, बस ये गमले में रह सकते, जो बड़े पौधे बनने थे ना उनको सबको हमने वहां पे लगा दिया है, शिफ्ट कर दिया है। ये वाले अभी और हैं जिनको अभी हमने एक नई जगह मतलब ऐसी ली है, तो उसमें हम लोग ये शिफ्ट करेंगे ये वाले। ठीक है, ये वाले अशोक वाले पेड़, और शायद मैंने दो मंदिर में और लगाने भी हैं अशोक वाले पेड़ भी, अभी वहां पे जगह है तो मेरे पास अभी भी अशोक के पेड़ काफी हैं, 3-4-5 हैं, तो देखते हैं शायद दो पौधे में। लेकिन वहां पे क्या हुआ, बकरिया खा गई बता रहे थे भाई, ये मैंने देखी नहीं है जाके। और ये देखो आप, मैंने ये वाला जो पौधा है ना, इसका जो ऊपर तक था पहले बड़ा, बड़ी वाली डंडी कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही, ठीक है, कहाँ गई ये रही, इसको ऊपर से कट करके और इसको जो है ना यहाँ लगा दिया था, देखो ये इसमें लग गई है भाई, तो ये एक अलग पौधा तैयार हो गया है। ठीक है, ये जो थे वो रात की रानी वगैरह वाले, उनको सबको कट कर दिया, काफी पौधों को हमने जो है कटिंग कर दिए, क्योंकि गमले में पौधे बड़े ज्यादा कैसे रखे हैं, अब ये देख लो आप कटिंग करने के बाद कितना मतलब वापिस से ऐसे फैल गया है, बड़ा बड़ा हो गया है, करेंगे क्या इसका, अब इतने बड़े का समस्या ये हो जाती है। अब ये देखिए आप, ये गमले में इतने बड़े बड़े पौधे जो है ना ऐसे झुक जाते हैं, फिर रुकते नहीं है। अशोक वाला एक वो है, जामुन वाले पूरे लगा दिए हैं, जामुन वाला जो था वो एक वो मेरी आंटी जी उनके वहां लगा दिया है, बाकी के सब हमने मंदिर में लगाए हैं, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब आज मैं आपकी आप लोगों को एक स्पेशल बात बताने वाली हूँ बहनों। पहले तो आप ये देखो, इधर इधर छाया आ गई ना, छाया आई हुई है, ये वाली जो छाया है ये अगर आपको भी लानी हो ना, अगर आजकल आप लोगों को धूप बहुत ज्यादा धूप हो रही है, अगर आपको बादल चाहिए, छाया चाहिए, तो मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, क्या है ना कि बारिश तो अपने हाथ में है नहीं, बादल मेरे हाथ में है, मैं बादल ला सकती हूँ, जैसे कि मैं आज लेके आई हूँ बादलों को, आसमान में दिखाऊं आपको मैं बादल, एक मिनट बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, ये देखो आप। ठीक है, ये सब मैंने आज मॉर्निंग में भर दिए थे कि ये वाला एक उधर वाला, आजकल चिड़िया जो है ना इधर कम आती है बहनों, क्योंकि अभी हमारे पास में खेत में ना बाजरा हो गया तो वो खाती, ये देखो आप बादल। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये क्यों आए आज, ये देखिए
ये मैंने आज धो के सुखा दिए थे चने, ठीक है। ये मूंग, ये धो के सुखाने की वजह से आज मैं आगे आपको फ्रंट कैमरा करके बताती हूँ क्या होता है। दरअसल वैसे तो ना सब बहनों को ही लगता रहता है कि भाई भगवान भी मारा ही बात करे ऐसे बोलते हैं ना, कहे राम जी भी मुझे मेरा ही बात करे, मैं कुछ भी काम करती हूँ तभी इसके बादल आते हैं। तो मेरे ना ये चने काफी दिन से पड़े थे मेरे यहाँ, और वो मूंग भी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं इनमें इल्ली घून ऐसे कुछ हो तो नहीं गया है। चनों के तो जहर लगा हुआ था, तो बार बार मतलब ऐसे बच्चे बोल रहे थे कि भाई ये चने जो है भिगो के खाएंगे, ऐसे छूक के खा लेंगे, ऐसे खा लेंगे, तो इनके जहर लगा हुआ था। तो मैं इनको छेड़ना नहीं चाह रही थी, क्यों कि मैंने सोचा बारिश का मौसम है और अगर ये गिल्ले हो गए थोड़े बहुत तो इन्हें बहुत ज़्यादा जो है इल्ली लग जाएगी या ये हो जाएंगे वेस्ट, खराब हो जाएंगे। और मूंग भी मैंने सोचे थे, इल्ली मेरे को घर में अंदर किचन में नजर आ रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि कहीं मूंग में ही तो इल्ली नहीं हो, तो मूंग में इल्ली हो रखी थी और इनमें कुछ भी नहीं था चनों में, लेकिन ये धो के सुखाने पड़ेंगे इस वजह से मैं इनको छेड़ नहीं रही थी। मैंने सोचा कि अगर धो दूंगी तो इनमें और ज़्यादा कचरा होगा, क्योंकि एक बार मैंने गेहूँ सुखाए थे ऐसे मौसम में, बहुत ज़्यादा गेहूँ हमारे ख़राब हो गए थे, इल्ली बहुत ज़्यादा लग गई थी। अभी आज क्या हुआ, लगभग 2-3 दिन से इतनी धूप हो रही है ना, इतनी धूप हो रही है मैं क्या बताऊं आपको, कि 11 बजे के बाद, क्या मैं कह रही हूँ 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं, बाहर वाली जो स्किन है ना ये ऐसे जलती है, क्योंकि एक तो पसीने से, वैसे मैं आपको एक बार पहले भी बोल रही थी कि एक तो पसीने से चमड़ी जो है ऊपर वाली सॉफ्ट हो जाती है, गली हुई होती है, ऊपर से इतनी तीखी धूप कि उसके अंदर अगर बाहर निकले ना, हाय राम, इतनी भयंकर वाली धूप होती थी ना। अब मैंने सोचा, काफ़ी बार सोचा कि धो के सुखाऊं, लेकिन मेरे को लगता कि नहीं, मेरे को पता है मैं धो के सुखाऊंगी और बादल आ जाएंगे। ऐसे करते करते आज मैंने सोचा, 3 दिन से इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही थी दिन में, मैंने सोचा सुबह की चलो आज मैं इनको धो के सुखाई देती हूँ। और फिर ये देखो आप, मतलब आपको अगर छाया चाहिए ना, तो जैसे कि ज़्यादातर तो खेतों में काम करने वालों को चाहिए कि छाया, अभी भी काम चल रहा है तो वो है ना, सुबह सुबह ना 1 किलो अनाज को ना बाहर भी घो के सुखा के चले जाया करो, भाई छाया रहेगी पूरे दिन, आपको बता देती तो बहनों ये वाली टिप्स थी मेरी आज की। और आगे आप देखो, हमने जो थोड़े से लगाए हैं पौधे वो, और कुछ शाम को मेरे को कुछ और दिखाई दिया तो मैं ऐड जरूर करूंगी क्लिप में। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे टिप्स आपको कैसे लगते हैं वो भी जरा बता के जाया करो आप कमेंट में, ऐसे मत जाया करा करो, थोड़ा सा अंगूठा भी दबा जाया करा करो आप, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये इतना सारा पौधा, ये कड़ी पत्ता है, और एक कड़ी पत्ता इतना बड़ा पेड़ हो गया था मेरे बह ही बकायण, और उधर जो है जामुन वगैरह बड़का था एक, वो देखो बड़वाला वो रहा, ये सब है ना वहां पे लगा दिए मंदिर में, बनेंगे कैसे ये पता नहीं भाई, देखी जाएगी बाद में, एक बार तो दिए हैं लगा, ये देखो आप बकायण कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो ये सब हमने मंदिर में लगा दिए थे, बकरियां तो खा जाती हैं सार्वजनिक जगह, तो कोई भी गेट खुला छोड़ जाता है, ये तो होता ही है भाई, पानी डालने के लिए बोलना है पंडित जी को। अच्छा आज ना मैंने एक दो पौधे और बाहर भी शिफ्ट किए थे, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको, शायद मैंने नहीं दिखाए हैं वो आपको, मेरे को याद नहीं आ रहा है, दिखा दिए होंगे तो आप दोबारा देख लेना, ठीक है। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, एक तो ना ये बिच्छू बंटी लेके आई थी संजू, उसने लगा दिए व्हाइट कलर के फूल, बड़े मस्त आ रहे हैं इसके भाई, और इसमें बेलगिरी एकदम जल गई थी लेकिन वापिस से फिर हो गई है, ठीक है। मौसमी वाले की लट्टे दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने आज वीडियो का ये भी सोचा था कि मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके के जो कीड़े हैं वो कैसे पैदा होते हैं। कल आप लोगों ने हमारी देखी है क्लिप खेत वाली, आज मैं आपको घर वाली दिखाती हूँ, आप ये देखना एक मिनट, ये देखो आप कीड़ा, ठीक है, ये देखो दिख गया आपको कीड़ा, मरा हुआ है ये, अभी कैसे मरा वो भी बताती हूँ आपको, ये देखो पत्ता इस तरीके की जो है, ऐसे लगता है जैसे चिड़िया वगैरह ने बीट की हुई है कबूतर ने ऊपर, इस तरीके से जो देखो आपको, देखो पूरा ऐसे मौसमी के पौधे को ना ऐसे खा जाती है। क्या हुआ ना, कल जब हम लोग सुबह सुबह खेत में जा रहे थे ना, तब हमें दिखाई दिया ये, तो अजी बीच में आ गया था फोन, और इतनी गर्मी हो रही है बाहर, वीडियो बनाई भी नहीं जा रही है भाई। फिर क्या हुआ कि कल सुबह खेत में जाते समय देखा इसके ऊपर इतने बड़े बड़े कीड़े लट जो भी बोलते है ना वो थे, फिर हम वहां से लेके आए जहर, मैं आपको दिखाती हूँ जो कीटों पे छिड़कने वाला जहर होता है ना वो, तब ना जितनी भी थी ना कीड़े उनको हम मार के गए थे, ठीक है, मॉर्निंग में जाते समय 2 घंटे में वापस आए ना, तब ये जो अभी आपको दिखाए ना ये लगे हुए मिले। तो ये आप ये बताओ भाई कमेंट में, ये बता के जाना कि ये लटे कहाँ से आती हैं, चल के तो ये आती नहीं है, उड़ के भी नहीं आती, इनके पंख भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये हमारा सबका ही, हम लोगों ने ये सोचा कि ये हवा में पैदा होती है, जहरीली हवा चलती है ना,
उसमें। तो ये देखिएगा, ये हमने इसमें जो स्प्रे होती है ना, रेगो रोगो और जो भी होती है खेत में छिड़कते हैं ना, वो डाली हुई है। और ये देखो आप, अभी गर्मी में अगर इनके ऊपर डाल दूंगी तो भाई कहीं जल ना जाए पौधे। जलते तो नहीं है ना, फसल की होती है, लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि बदबू उफ चढ़ जाएगी गर्मी में, कहीं मेरे को भी वो हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक दो पौधे बाहर वाले और दिखा देती हूँ। तो जी, जैस्मिन तो शायद आपने देख लिया था, और ये अमरूद वाला पौधा है ना, ये एकदम से जल गया था। ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको दिखाया है शायद, देखो ये अभी वापस से फूट गया। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के हाथों से ही ऐसे होता है कि वो डाली भी लगा दे तो वो भी लग जाती है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो ये मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ये एकदम से जल गया था और हमने इसकी उम्मीद छोड़ दी थी। और वो ना जो किस वाले चैनल वाले भाई साहब हैं, विनोद भाई साहब, अरे बाप रे, चैनल का नाम भूल गई, सॉरी भाई, विनोद भाई, वो बोल रहे थे कि बरसात में लगाना चाहिए था, ऐसे जल जाए। सही लगा था भैया आपको, मेरे को भी ऐसे ही लगा था उस टाइम पे, तो कि हमें जल्दी लगा दिया, लेकिन देखो फिर भी फूट आया, सही हो गया। अब ये रियल फार्मर फैमिली, याद करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है भाई। ये वाला अपने आप उगा है यहाँ पे, ठीक है, रात की रानी है, खूब सारे। वैसे मैंने दिखाया था अमरूद, मेरे को पता है आपको, मैं वो वाला दिखा देती हूँ आपको, दिख रहा है क्या आपको? ये आजकल ये गाड़ी यहाँ गैराज सा हो गया इसका, यहाँ लग जाती है भाई, पानी भी नहीं डाला जाता, इतने सुंदर लग रहे हैं ना बाहर से गुड़ल के फूल, देखो आप। उधर जाके दिखाती हूँ आपको मैं, शायद तक तो मैंने दिखाए थे आपको कि मैंने यहाँ ये लगाया वो लगाया ऐसे करके, लेकिन उस टाइम पे शायद फूल नहीं खिलेंगे। देखो अब कितने सुंदर लग रहे हैं, और बाहर लगाने के बाद में इसके ना कम से कम 7 से 8 फूल हमेशा खिले रहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये जाली वाला। हाँ, मैंने आपको जाली दिखाई थी ना, तब दिखाए थे ये वाले कि मैंने यहाँ पे ये लगा दिया वो लगा दिया, बड़ी मुश्किल से लगवाए थे भाई, ये मना कर रहे थे लगाने के लिए, लेकिन अब जब ये देखते हैं ना इनको, ये सुंदर लगते हैं तो कहते हैं हाँ सही किया, अच्छे लग रहे। तो जी, ये है हमारी आज की वीडियो, और ये देख लो आप, ये मेरी जो बहन है ना, उनका प्लाट पड़ा है यहाँ पे भाई, जो दुकान वाली है ना उनका, तोरई लगेंगी, खूब सारी सब्जी खाएंगे भाई हम भी, देखते हैं कितनी लगने देंगे, तोरई तोरई तोरू। तो जी ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, काम वाम का व्लॉग मेरे से बनता नहीं है बहनों, क्योंकि मेरे से नहीं बनती है भाई वीडियो, स्टैंड पे लगा लगा के फोन को, और उसको फिर एडिट करना, ऐसा नहीं हो पाता है। और मेरा चैनल जो है वो जा चुका है एकदम से डाउन, बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड लोग जो भी हैं, वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो, ताकि हमारा चैनल भी कुछ बना रहे, क्योंकि हमने भी कोई विशेष मकसद से जो है वो चैनल खोला हुआ है। तो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बहने जो है मैं नहीं जा पाती हूँ उनके वीडियो पे, जाती हूँ लेकिन कमेंट नहीं करती हूँ, ये मैं आपको फिर बता देती हूँ। जब भी मेरे को टाइम लगता है मैं वीडियो देखती हूँ, लेकिन कमेंट नहीं कर रही हूँ आजकल। पहली बात तो ये कि मेरा एक फोन जो पुराने वाला है ना, उसके अंदर टाइपिंग नहीं हो रही है, मैं लिखती कुछ हूँ लिखा कुछ जाता है, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं कमेंट को छोड़ देती हूँ। ठीक है, एक दो के मैंने दूसरा एक चैनल है उससे कमेंट किए भी हैं, मैं वीडियो जब देखती हूँ, लेकिन वैसे अगर मेरे को टाइम नहीं होता है तो मैं वैसे भी वीडियो वॉच कर देती हूँ। कुछ फ्रेंड मेरे ऐसे हैं जो मेरे सपोर्ट, मतलब शुरुआत से करते भी आ रहे हैं, जब से मेरे से जुड़े हैं, और वो अभी तक कर रहे हैं। अगर मैं नहीं जा पाती हूँ या फिर कमेंट नहीं करती हूँ तो भी वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, आज की इसी टिप्स के साथ।